नमस्कार, डिजाना विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मेरे साथ हैं देश के कद्दावर भाजपा नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रतीक जी। चुनावी थकावट के बाद आपके चेहरे की चमक और रौनक कुछ शुभ संकेत दे रही है। बहुत शुभ संकेत है। मध्य प्रदेश में सरकार बन रही और मालवा निमाड़ के परिणाम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप माने या ना माने, लगता है कि सीटें कम होंगी भाजपा की? हो सकती है कुछ, पर सरकार बनेगी। सरकार बनने को लेकर आप बिल्कुल सुनिश्चित? 100%। और हमेशा मैं मानता हूँ कि आपके राजनीतिक आकलन हमेशा से सटीक होते हैं, खासकर हरियाणा के मामले में। मैं इसी तरह का एक संवाद आपसे कर रहा था, तब एक आपने जो फिगर बताया था सीटों का, लगभग वही आया था। मध्य प्रदेश में आपका क्या स्टडी, कितने नंबर आप दे रहे हैं आपकी पार्टी को? देखिए, चुनाव के बाद जिस प्रकार का वातावरण और हमारे जो पत्रकार हैं, जो बहुत अच्छे विश्लेषक हैं, उनके प्रेशर में आगे मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 130 सीट आएगी, इससे कम नहीं आएगी। और सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत आएगा। नहीं तो मेरा तो आंकड़ा 142 का था, पर जिस प्रकार का मैं रोज़ समीक्षा पढ़ रहा हूँ, सट्टा बाजार देखता हूँ जो कभी देखता नहीं था, जो अखबारों में आप लोग देते हैं, सोशल मीडिया में, तो बहुत प्रेशर में 130 बोल रहा हूँ, पर इससे ज़्यादा आना चाहिए। पर कैलाश जी, जो खबर आ रही है गांवों से, सब जगह से, चाहे बघेलखंड से आ रही हो, चाहे बुंदेलखंड से आ रही हो, या फिर चंबल से आ रही हो, वो खबर आपके लिए सकारात्मक नहीं है? अक्सर ये इस तरह का टेम्पो या माहौल बन गया कि बस अब कांग्रेस की सरकार आ रही है और कमलनाथ जी तो 165 सीट का दावा कर रहे हैं, मंत्रिमंडल भी कांग्रेस में लगभग लगभग बनने लगा है, तो उसके बावजूद भी आपके इतने कॉन्फिडेंस की वजह क्या है कि आपको लग रहा है कि 130 सीट आ जाएंगी? देखिए, ये चौथी बार हो रहा है। पहली बार जब दिग्विजय सिंह जी के ज़माने में उमा जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े थे, तब दिग्विजय सिंह जी के आसपास के अधिकारियों ने तय कर लिया था कि सरकार दिग्विजय सिंह जी की बन रही है, और उन्होंने बिल्कुल माहौल भी इस प्रकार का खड़ा कर दिया था कि दिग्विजय सिंह जी फिर से आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी चले गए, उसके बाद फिर शिवराज जी के नेतृत्व में जब पहली बार चुनाव हुए, लोगों ने कहा अरे गई, अब तो बिल्कुल गई। और सुरेश पचौरी जी ने एकदम सूट उट से ला लिया था और बोले मेरे से तो ब्यूरोक्रेट्स मिलने आ रहे हैं, और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी कौन बनेगा ये भी तय कर दिया था, कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद पिछला चुनाव कांतिलाल जी भूरिया के नेतृत्व में हुआ, फिर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने वाला, आदिवासी मुख्यमंत्री बनने वाला, और एक ऐसी लहर चली कि हम अंडर प्रेशर आ गए थे कि भैया पता नहीं, पर मैंने उस वक्त भी, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि 170 प्लस करेंगे हम, कोई मेरी बात नहीं मान रहा था, हमने 170 प्लस किया, मुझे याद है संवाद कार्यक्रम में आपने कहा था तो मैंने कहा 170 प्लस होगा। अभी भी जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ, ऐसा कैसा ही है कि बस कमलनाथ जी ने भी शपथ लेने के सूट से ला ली, ज्योतिराज सिंधिया ने भी सूट से ला लिया है, सुरेश पचौरी के लिए दोनों झगड़े में बन जाऊँ, और अजय सिंह जी अलग अपना, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मैं अजय सिंह को बनाऊँगा, तो इस प्रकार का वातावरण फिर से बन गया है। और नहीं तो फिर दिग्विजय सिंह जी ये कह देंगे कि भाई कोई आदिवासी होना चाहिए, तो फिर कांतिलाल को भी तैयार कर दे, तो तैयार है ना, ज़्यादा सूट उठ से लागे। कांग्रेस में 5-6 सूट सिल गए वैसे तो, और वो पिछले वाले भी हैंगर में लटके हुए थे, इस बार भी हैंगर में लटकेंगे। मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के लटके ही रहेंगे। हाँ, लटके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और शिवराज जी शपथ लेंगे 12 तारीख को। चूंकि एक नेता के नाते मैं सवाल आपसे नहीं कर रहा हूँ, पिता के नाते कर रहा हूँ, चूँकि इस बार आपका पुत्र भी मैदान में था, और ठीक है कि आपने कहा था कि आप उसके प्रचार में नहीं जा पाएंगे, मालवा निवाड़ देखेंगे, लेकिन फिर भी एक पिता के नाते कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा भी होती है, धुकधुकी भी होती है, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप आकाश विजयवर्गीय को लेकर? जीतेगा, लोग कल्पना ही नहीं हो कितने वोट से जीतेगा। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर 15,000 से कम से जीता हो तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मैंने इस शहर में सेवा करने में कुछ कमी की। जीतेगा, अच्छे वोट से जीतेगा। मतलब अगर 15 से कम जीता तो आपको संतोष नहीं होगा? हाँ, मुझे ज़रा मज़ा नहीं आएगा। 28 साल बाद ऐसा पहला बार मौका था कि आप चुनाव नहीं लड़े, कैसा फील कर रहे थे? आप हमेशा चुनाव रण में रहते हैं, रणभेरी में रहते हैं, खुद मैदान में रहते हैं, इस बार आप पर्दे के पीछे थे या लोगों के सपोर्ट में थे, चुनाव खुद नहीं लड़ रहे थे, कैसा महसूस किया आपने? बहुत ज़्यादा प्रेशर था। पहले एक सीट का प्रेशर होता था, या 2-4-5-10 सीट आसपास की रहती थी उसका प्रेशर होता था, अब तो इतनी सारी सीटें थी, 66 सीटें दे दी, इसके अलावा भी दोस्त लोग प्रदेश भर में
कार्यकर्ता लड़ रहे थे जिनके की कहीं ना कहीं आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद करना थी मुझे, वो मैंने की, तो बहुत प्रेशर था और लोगों की अपेक्षाएँ भी बहुत थी क्योंकि मैं फ्री हूँ तो मेरे यहाँ भी आए, मेरे यहाँ भी आए, मेरे यहाँ भी आए, तो मैं तो बड़ी मुश्किल से 50% लोगों के यहाँ भी नहीं जा पाया प्रदेश में, तो बहुत प्रेशर था। और मैं समझता हूँ कि मैं पूरे चुनाव में 2-2.5 घंटे भी पूरे समय नहीं सो पाया मैं, क्योंकि इतना रात में आने के बाद फिर सब सीटों के बारे में चर्चा करना, कहीं पर जो कमी है उसकी पूरी करना, अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रात में बात करते थे, मुख्यमंत्री जी फीडबैक ले रहे थे लगातार। नरेंद्र मोदी जी भी आपसे फीडबैक लेते थे? नहीं, उनसे कभी बात नहीं इस चुनाव के संबंध में, सिर्फ एक बार जब मध्य प्रदेश के चुनाव दौरे पर आए थे इंदौर, तो उस दिन बात हुई थी, उसके अलावा कभी बात नहीं हुई। तो आपको आपका सीधा रिपोर्टिंग जो है वो अध्यक्ष जी को था, अध्यक्ष जी वो भी मेहनत के मामले में कम नहीं है। अरे बाप रे, उनके जैसे तो मेहनत कोई करता ही नहीं, मतलब आप समझ लीजिए कि इतनी ज़बरदस्त मेहनत करते हैं कि विश्राम तो उन्होंने ना मोदी जी की डिक्शनरी में लिखा है ना अमित भाई की डिक्शनरी में लिखा है कि आराम करना चाहिए, तो कभी होते है ही नहीं। अभी तक जितनी बार भी अमित शाह की हमने तस्वीरें देखी, इंटरव्यूज देखे, ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुराते नहीं, हंसते नहीं है। व्यक्तिगत अनुभव आपका क्या है, जब आप दोनों चूँकि बहुत पुराने दोस्त हैं, खेड़ा जिले के समय से आपने साथ साथ युवा मोर्चा में काम किया है, वो अध्यक्ष हैं आप, राष्ट्रीय महामंत्री, लेकिन मुझे पता है कि आपकी पुराने दोस्ती है, दोस्ताना है, तो कभी चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी, प्रसन्नता, इस तरीके की चीज़ें अध्यक्ष जी की आती है या हमेशा ऐसे तनाव में ही रहते हैं? अध्यक्ष जी के साथ कभी अकेले बैठो ना आप तो कभी बोर ही नहीं हो सकते हो, इतना अच्छी तरीके से वो मिमिक्री करते हैं किसी की कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओ। मतलब अमित भाई का जो दूसरा वाला चेहरा ना, जो लोगों को नहीं पता, जैसे हम लोग जब बैठते हैं कभी धर्मेंद्र प्रधान जी, हम, नड्डा जी या बाकी हमारे महामंत्री अरुण सिंह जी, अनिल जैन जी, हम लोग बैठते हैं और फिर घंटों निकल जाते हैं, मतलब 2-4-5 घंटे नहीं, कभी कभी तो जैसे 5 बजे हम शाम को बैठे तो रात को 10-11 बजे तक वहीं डिनर आ रहा है, वहीं चाय आ रही, तो मतलब अनौपचारिक चर्चा में भी काम की बात भी होती है। इसलिए तो भाजपा के नेता कहते हैं कि आपकी उनकी सेटिंग है। नहीं, सेटिंग वेटिंग तो क्या है कि सेटिंग तो आपसे भी, आप भी पुराने हमारे दोस्त हैं, तो इसको सेटिंग थोड़ी कहते हैं, संबंध सबसे रखना चाहिए। मेरे तो कांग्रेस के लोगों से भी सेटिंग है, दिग्विजय सिंह से सेटिंग का आरोप लगता है। काफ़ी लोगों से मेरी मित्रता है। देखिए, मित्रता रखना, संबंध बनाना और उसको निभाना, बनाना तो खैर कोई बना सकता है कि संबंध, पर उसको निभाना ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि संबंध निभाऊँ, कई बार मुझे उसमें नुकसान भी होता है, तो मैं फ़ायदे नुकसान की कभी चिंता नहीं करता, जिससे संबंध है फिर उसको निभाना चाहिए। लाभ हानि के अगर आप आधार पर अगर संबंध बनाएंगे तो संबंध नहीं होते, वो संबंध ये कि हानि हो रही तो भी आप संबंध बना के रखें, तो ये विशेष बात होती है। कैलाश जी, दिग्विजय सिंह जी का भी आपने जिक्र किया, मैंने भी कहा कि वो उनसे आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, इस पूरे चुनाव में एक आध बार उनसे आपकी गाय भगाए मुलाकात हुई हो या बातचीत हुई हो, फ़ोन आया हो, फ़ोन किया हो, क्या चल रहा है? वो भी राजनीति के वैसे मजे हुए खिलाड़ी हैं और मध्य प्रदेश के सारे एक एक सीट पर उनका भी अपना नेटवर्क है। मेरी कोई बात नहीं हुई इस दौरान उनसे, पर मैं उनको वॉच करता था कि क्या क्या कर रहे हैं वो, तो आदमी तो बहुत स्मार्ट है वो, और जहाँ भी जाते हैं वो मतलब 100% पॉलिटिशियन आदमी हो, मतलब वो चाय भी पी रहे हैं तो कहाँ चाय पीना है, किस रेस्टोरेंट में चाय पीना है जहाँ पर मेरे को राजनीतिक लाभ होगा, उसकी चिंता करते हैं, तो बात जरूर करता था। तो इस बार वास्तव में पूरे चुनाव में बिहाइंड कर्टन रहकर जो चुनाव का संचालन उन्होंने किया है, उसमें दिग्विजय सिंह जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लोग भले कमलनाथ जी, सिंधिया जी, इनको सोचते हो, पर सबसे अहम भूमिका उसमें दिग्विजय सिंह जी, पर्दे के पीछे सारी कठपुतलियाँ वही संचालित कर रहे हैं, वही संचालित कर रहे थे। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि जो फ्रंट पे जो चेहरे हैं ना, उनके उतने टिकट नहीं, उससे ज़्यादा टिकट दिग्विजय सिंह जी के मध्य प्रदेश। आपने तो एक बार कहा भी था हमारे संवाद कार्यक्रम में कि आप दिग्विजय सिंह जी से बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ, मैं सबसे सीखता हूँ, सीखने में कोई बुराई नहीं है, मैं दिग्विजय सिंह जी से मैंने काफ़ी सीखा भी है। मैं कुछ लोग जो राजनीति में थे, जब मैं पहली बार विधानसभा में गया तो मैंने देखा कि मैंने पटवा जी से काफ़ी सीखा, वीरेन कुमार सकलेचा जी के मैंने भाषण बहुत पढ़े, और सबसे सीखना चाहिए कौन कहाँ क्या किस प्रकार करता है। जैसे विक्रम जी के साथ बहुत अकादमिक भाषण देते थे, उनके पास जो जानकारी होती थी टू द पॉइंट और जो जानकारी उनके पास रहती थी, मैं नहीं समझता प्रदेश में किसी राजनेता के पास इतनी प्रदेश की जानकारी हो विथ डेटा। तो वीरेन कुमार सकलेचा जी का भाषण आज भी जो नए विधायक हैं उन्हें पढ़ना चाहिए। जो कांग्रेस ने जो एक कार्ड खेला, जो बड़ा, जिसको वो गेम चेंजर बता रहे हैं, कर्ज माफ़ी का,
आप मालवा निमाड़ में गए, लगभग सभी सीटों पर आप गए। ठीक है, शिवराज सिंह ने भी किसानों के लिए ही किया ज़्यादातर, तो और दूसरे कई तबके छूट गए, मैं उस पर कभी आपसे फिर बात करूँगा, लेकिन क्या ये वास्तव में गेम चेंजर साबित हो सकता है कर्ज माफ़ी का कार्ड? देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा विषय होता है विश्वसनीयता का। आपकी विश्वसनीयता कितनी है? दुर्भाग्य से कांग्रेस की समाज के अंदर विश्वसनीयता नहीं है। मुझे याद है कि 98 में दिग्विजय सिंह जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों को हम बिजली फ्री देंगे, और किसान को बिजली ही नहीं मिली, किसान को फ्री कर दिया उन्होंने। तो दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। तो कांग्रेस को देखा है, परखा है और भोगा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश का किसान इस कर्ज माफ़ी की लालीपाप में कांग्रेस के आएगा, और मुझे कोई असर भी नहीं दिखा इसका। एक आप लोग अक्सर राहुल गांधी से गोत्र पूछा करते थे, बता दिया है उन्होंने वो कोल ब्राह्मण हैं और दत्तात्रेय हैं, अब ये गोत्र मालूम पड़ने के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं करना। गोत्र साधारणतया पिता का चलता है। साधारणतया नहीं, हमेशा पिता का, हमेशा पिता का चलता है। अब ये कोल किसका गोत्र है आप भी समझते हैं, और मैं इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि गोत्र के पता लगने से कोई आदमी को प्रमाण पत्र मिल जाएगा, या कोई बुद्धिमानी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, या देश का नेतृत्व करने का अधिकार मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या देश का इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता उसको आप बुद्धिमान नहीं मानते? आपने कहा बुद्धिमानी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या राहुल जी में इस देश का नेतृत्व करने की क्षमता है क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो विरोधी दल का हूँ, आप तो निष्पक्ष हैं। आपको अगर मोदी जी और राहुल जी के बीच में खड़ा कर दिया जाए तो आप किसको चुने? कौन देश का नेतृत्व कर सकता है? आप तो निष्पक्ष हैं, आप बताइए कौन कौन कर सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ ये प्रश्न। मैं तो इस हैसियत में ही नहीं हूँ कि प्रश्नों का जवाब दे सकूँ, मेरे भाग्य में तो सिर्फ आपका इंटरव्यू करने ही लिखा हुआ है। मैं किसी को इंटरव्यू दे सकूँ ऐसी हैसियत मेरी नहीं। जी, आपकी हैसियत बहुत बड़ी है, क्या बात करते हैं, हम जानते हैं आपको, आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं, गुरुजी करके बच्चे आपके आगे पीछे घूमते हैं, आपकी हैसियत बहुत बड़ी है। ये बात, ये आपका बड़प्पन है कि आप नहीं मानते हैं उसको? केला जी, मोदी जी को इस बार आपने थोड़ा सा पीछे रखा और शिवराज जी को आगे रखा, क्या ये चुनाव शिवराज के ही चेहरे को फोकस करके रखने का निर्णय हुआ, तो उसके पीछे क्या था? क्योंकि देखिए, जो आपके फ्रंट पेज विज्ञापन आ रहे थे, माफ़ करो महाराज अपना तो शिवराज, उसमें मोदी जी का चित्र नहीं था, फोटो नहीं था। मोदी जी की 10 सभाएं हुई हैं कुल पूरे प्रदेश में, तो इसके पीछे क्या सोची समझी रणनीति? अब तो चुनाव हो गए, ख़त्म हो गए। नहीं नहीं, मोदी जी का अपना एक इम्पैक्ट है, और ये सरकार बनेगी तो मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए कार्य, विशेषकर 3 उल्लेखनीय, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान, प्रधानमंत्री आयुष्मान, इसका बड़ा इम्पैक्ट था। ये गेम चेंजर है निश्चित रूप से। इन्होंने उस वोट में सेंध लगाई है जो वोट बीजेपी का कभी भी नहीं था, इसलिए हमें एक्स्ट्रा वोट मिला। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है इसलिए है कि हमें नया वोट इस बार काफ़ी मिला है। ये जो मत प्रतिशत बढ़ गया है 72.14 से 75.05, लगभग 3-1% जो वोट बढ़ गया है, ये क्या खेल खिलाएगा, क्या गुल खिलाएगा? इसको आप अपना मान रहे हैं, कांग्रेस करेगी इस बार हमारा बूथ मैनेजमेंट अच्छा था, कांग्रेस करेगी इस बार सत्ता से लोग नाराज़ थे, शिवराज से लोग नाराज़ थे इसलिए आए हैं, और संघ कह रहा है कि ये क्वार्टर बेस्ड वोट था, ये हमने निकाला, हमने डलवाया, और ख़ासकर महिलाओं के 40 लाख वोट बढ़े, तो ये क्या रहेगा पूरा इसका? देखिए, सबका एक एक करके जवाब देता हूँ आपको। महिलाओं का नेता यदि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है इस प्रदेश में कोई, तो शिवराज जी, क्योंकि वो शिवराज भैया हैं, सारी महिलाओं के भैया हैं। लाडली लक्ष्मी योजना भी है, बहुत सारी योजनाएं, सब उन्होंने महिलाओं को फोकस करके किए। दूसरी बात है कि कांग्रेस के पास आज भी मध्य प्रदेश में कई ऐसे पोलिंग बूथ थे जहाँ बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं थे, वोट निकालने वाले की बात तो बहुत दूर की बात करिए, बैठने वाले कार्यकर्ता नहीं थे मध्य प्रदेश में, कम से कम ऐसे 20-25% पोलिंग थे जहाँ कांग्रेस के पास बैठने वाले लोग नहीं थे पोलिंग पे। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास परिवार है, संघ परिवार, उन्होंने वोट निकालने का काम किया अनेक जगह। कांग्रेस के पास ऐसे कोई एजेंसी नहीं है, कोई सेवा दल टाइप पहले कभी हुआ करती थी, वो भी ख़त्म हो गई है, तो वोट निकालने वाला कैडर भी अगर है तो हमारे पास है। चौथी बात,
यदि आप कमलनाथ जी और शिवराज जी का चेहरा सामने रखो तो कमलनाथ जी के चेहरे को देखकर कौन वोट देगा? क्या किसान वोट देगा? क्या महिलाएं वोट देगी? क्या इस 75 साल के नौजवान से जो 40 साल से प्रदेश में राजनीति कर रहा है, इनके नाम पे ऐसा क्या है जो नौजवान इनके साथ जाएंगे, महिलाएं इनके साथ जाएगी, आम मतदाता कमलनाथ जी के साथ जाएगा? क्या है कमलनाथ जी के पास? आप बताइए क्या है, क्या उनकी छवि क्या है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, राजनीति में? वो संजय गांधी जी के रात के साथी थे, पहली पहचान उनकी ये थी इस देश के अंदर। साथी अब रात को संजय भाई शाम के मित्र थे उनके, संजय गांधी जी के। उसके अलावा धीरे से वो राजनीति में आ गए, कलकत्ता के रहने वाले। आज भी वो कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्हें प्रदेश के पूरे जिलों के और ब्लॉक के नाम नहीं मालूम होंगे। तो कहाँ कमलनाथ जी, कहाँ शिवराज जी? शिवराज जी को गली मोहल्ले के नाम मालूम है, उनको ये मालूम है कि नंदानगर कहाँ है, उनको ये मालूम है पलासिया कहाँ है। अब पूरे प्रदेश के एक एक ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के नाम मालूम है उनको। तो शिवराज जी का अपना एक अलग एक इम्पैक्ट है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि शिवराज जी की विशेषता ये रही कि उन्होंने इस प्रदेश में शासन नहीं किया, परिवार चलाया। उन्होंने महिलाओं को भैया कि मैं आपका भैया हूँ, बच्चों को कहा कि मैं मामा हूँ, चिंता मत करो, पढ़ाई की निःशुल्क विधक, तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तुमको साइकिल, मुख्यमंत्री साइकिल दे रहा है, मुख्यमंत्री जी किताब दे रहा है, मुख्यमंत्री ड्रेस दे रहा है, मामा की हैसियत से उन्होंने प्रदेश चलाया। तो एक पारिवारिक रिश्ता हो गया उनका पूरे प्रदेश में। तो इसलिए परिवार में नाराज़गी भले हो सकती है मेरी और आपकी, या मेरी पत्नी से नाराज़गी हो सकती है, बाकी परिवार के मुखिया के साथ कोई एकदम खिलाफ पड़ोसी के साथ खड़ा हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना दुष्प्रचार होने के बाद भी कांग्रेस का, मुझे विश्वास है कि लोग सिर्फ भाजपा के साथ रहेंगे और शिवराज जी के साथ रहेंगे। कभी आपकी भी हल्की फुल्की नाराज़गी शिवराज जी से हो गई थी, अब कैसा? जिस तरह से आप बता रहे हैं उससे लग रहा है कि सब कुछ मधुर और सामान्य हो गया। नहीं देखिए, शिवराज जी और मेरा, हम लोग बचपन से साथ में रहे, विद्यार्थी परिषद, वो नगर के भोपाल के मंत्री थे, मैं नगर का इंदौर का मंत्री था, तब से हम लोग साथ में, फिर युवा मोर्चे में गए, फिर पार्टी में आए, विधायक बने, मंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने। तो हमारे जो संबंध है ना, वो अंतरंग के संबंध है। नाराज़गी मेरी उनकी, मेरा काम करने का स्टाइल अलग है, उनका काम करने का स्टाइल अलग है, इसलिए जो काम करने की जो एक शैली है उसमें हमारे आपस में हमेशा अंतर रहे, डिफरेंस रहे, और वो रहेंगे भी, वो कोई बात नहीं है उसमें। पर फिर भी हमारी मित्रता का भी अलग नहीं, मित्र हम आज भी हैं, और हमारा जो आंतरिक स्नेह है वो आज भी, और मेरा नहीं, पूरे परिवार का है। मुझे याद है कि जब उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बनाते बनाते वो जब रह गए थे और उनकी जगह प्रहलाद पटेल बन गए थे, तो उनके बंगले पर सिर्फ आप ही गए थे उस वक्त, जब वो बहुत सबसे ज़्यादा अकेले और दुखी थे। नहीं, मैं तो हमेशा उनके बंगले पर ही रुकता था, विधायक बनने के बाद भी कभी मध्य प्रदेश भवन गया नहीं, मैं तो उनके बंगले पर ही रुकता था, उनसे काफ़ी संबंध मेरे तो घर ठीक है। हम दोनों की श्रीमती जो कि आपस में बड़ी अंतरंग था, शायद आपको याद होगा कि मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ तो पूरे समय ऑपरेशन थिएटर के बाहर भाभी जी बैठी रही और जाप करती रही, पानी भी नहीं पिया, पूरे 3 घंटे ऑपरेशन चला उनका, तो पानी भी नहीं पिया उन्होंने। तो ये उनके आपस में अंतरंग संबंध है हमारे, इसलिए हमारे संबंधों में कहीं पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अलग अलग काम करने की स्टाइल के कारण कई बार थोड़ा बहुत खटपट हो जाती है। राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि आपको दिल्ली भेजने में उनका हाथ है। ना ना, वो दुखी थे दिल्ली जाने से मेरे, क्योंकि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के अंदर मेरी पहचान भी ट्रबल शूटर की है। जब भी सरकार के ऊपर कोई संकट आता था, मामला हो, कोई सा भी काम हो, मैं हमेशा सामने आके मैंने फ्रंट फुट पर लड़ाई की है सरकार को बचाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं, उमा भारती तो कहती थी आपको कि सरकार में जब भी कोई परेशानी आएगी तो कैलाश संभालेगा। तो अमित भाई ने एक फ़ोन किया, बस पूछा शिवराज जी से कि भाई मेरे को ज़रूरत है कैलाश की, आपको कोई आपत्ति? बोले कि मेरे को कोई आपत्ति नहीं, आपको ज़रूरत है तो, पर मेरे को थोड़ी सी तकलीफ होगी, आप ले जाते। कब, अब वापसी कब होगी? ये 2019 के बाद अगर मान लो आपकी बात सही साबित होती, सरकार बन रही है 11 को, तो कुछ संभावना बनती है आपकी प्रदेश वापसी में? मेरा रास्ते अलग हो गया। देखिए, अब मैं बंगाल में इंचार्ज हूँ, 2019 का चुनाव बंगाल में लड़ाएंगे, वहीं लड़ाएंगे, और वो मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण, पार्टी के लिए भी चुनौतीपूर्ण राज्य है। अब देख लीजिए, आने वाले 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर अमित जी वहाँ पर
तीन कार्यक्रम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चार कार्यक्रम दे रहे हैं एक महीने में, और कम से कम केंद्र सरकार के 25 से 30 मंत्री एक डेढ़ महीने के अंदर पूरे बंगाल का दौरा करेंगे। तो मैं तो जिस दिन मतदान मध्य प्रदेश का ख़त्म हुआ, दूसरे दिन सुबह में कलकत्ता था। पूरा हमने प्लान बनाया और अब तीन रथ यात्रा वहाँ निकल रही है, और हम लोकसभा में आश्चर्यचकित रूप से अच्छी सीट देंगे। क्या बंगाल में आप वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुसलमान? क्योंकि ममता बनर्जी का भी लगभग वही रवैया है, वो मदरसों के टीचर्स को तो ध्यान रखती हैं लेकिन दूसरे टीचर्स का ध्यान नहीं रखती हैं। देखिए, हमारी भूमिका इसमें कहीं पर भी ध्रुवीकरण करना लक्ष्य है बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ध्रुवीकरण है नहीं, हम तो सबका साथ सबका विकास की ही बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं। आप सारे देश का डेवलपमेंट देख लीजिए और बंगाल का डेवलपमेंट देख लीजिए, बंगाल बहुत पिछड़ गया है। पर फिर भी ममता जी का कृत्य इस प्रकार का है कि उससे वहाँ पर जो स्थानीय बंगाली समाज है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कभी मुहर्रम और दुर्गा पूजा साथ साथ आ जाती है तो दुर्भाग्य की बात है कि दुर्गा पूजा के वो जो जुलूस होते हैं वो रुकवा दिए जाते हैं। दुर्भाग्य है ये कि उससे बंगाली सेंटिमेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा धक्का लगा, आहत हुए इस निर्णय से ममता जी के। मतलब लोग तो वहाँ ममता बानो कहने लग गए, तो अब ममता बानो से ममता बनर्जी बनने का प्रयास कर रही हैं कि अब मंदिरों में जा रही है। छठ अभी बिहारियों की थी वहाँ पर। हमारा प्रेशर समाज का प्रेशर है, समाज का प्रेशर। समाज में उनके खिलाफ़ जो एक आक्रोश जन आक्रोश फैला है कि उन्होंने जिस प्रकार सबसे ज़्यादा देश के अंदर गो तस्करी होती बंगाल से होती, सबसे ज़्यादा नकली नोट थ्रू मालदा बांग्लादेश, हाँ सबसे ज़्यादा नकली नोट आता है हमारे यहाँ तो बंगाल के थ्रू आता है। आर्म्स आतंकवादियों के बंगाल के थ्रू आते हैं। तो बंगाल इस देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सामाजिक समरसता को ताना बाना तोड़ने का एक ऐसा स्थान बन गया है जो कि इस सरकार के होते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। तो हम बंगाल को बचाएंगे और देश को भी उसके माध्यम से बचाएंगे। इसके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम मुझे पार्टी कैलाश जी, पहले जब आप गए थे तभी मैंने कहा था कि वहाँ तृणमूल कांग्रेस का अगर विकल्प है तो CPI, CPM, फिर कांग्रेस, आप चौथे नंबर पे थे। लेकिन अब ये स्थिति बन रही है, कहा जा रहा है कि 10 से 12 सीट भाजपा वहाँ जीतेगी और जो दूसरी जगह नुकसान होगा UP और बिहार में जो नुकसान होगा मायावती और सपा के गठबंधन के कारण, वो नुकसान की पूर्ति कहीं ना कहीं आप बंगाल में करते दिख रहे हो। तो आपके महासचिव बनने और प्रभारी बनने के बाद वहाँ ऐसा आपने क्या किया है कि जो आज ये स्थिति हो गई कि आप नंबर 2 हो गए? नगर निगम के चुनावों में भी आपका मुकाबला ही था, मुख्यतः आप नंबर 2 पे थे वहाँ पर, तो इसका क्या आपकी स्ट्रेटजी रही वहाँ पर? देखिए, हमारा परसेंट जब मैं गया जब 4% था, जस्ट नगर निगम के चुनाव हुए थे और मुझे वहाँ का इंचार्ज बनाया था, तो नगर पालिका नगर निगम हमको 4% वोट मिले थे। अभी हमारे जितने भी चुनाव हुए उसमें हमारा वोट 27 से 30% हुआ है। उसका कारण है कि हमने पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार किया। मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में एक आइडियोलॉजी के लोग खड़े किए पोलिंग बूथ तक। अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% पोलिंग बूथ तक हमारे पास कार्यकर्ता खड़े हो गए, पर लगभग 60% पोलिंग बूथ पे हमारे पास कार्यकर्ता वहाँ हमने खड़े कर दिए। तो हमारा जो नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम बढ़ा रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। प्लस सरकार के द्वारा जो गलतियाँ की जा रही वो भी जनता के सामने ला रहे हैं। हम सरकार को बेनकाब भी कर रहे हैं और हम बता रहे हैं, और अभी एस्टेब्लिश हो गया कि TMC का कोई विकल्प है तो BJP है, अन्य दल पीछे चले गए काफ़ी। जो वहाँ हिंसा होती है और ख़ासतौर पर BJP के आप कार्यकर्ता बहुत हिंसा के शिकार हो गए। देखिए, वहाँ की राजनीति शुरू से ही हिंसक रही है और विशेषकर CPM के समय से, और जो CPM के सारे असामाजिक तत्व थे और जो परंपरा थी वो वहाँ पर TMC में आ गए सब लोग, तो बहुत हिंसा होती, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। और इतना मतलब इतने हल्के तरीके से वो लोग काम करते हैं राजनीति में कि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। गर्दन काट देना, प्रेग्नेंट महिला है उसका गर्भ गिरा देना लात मार मार के, आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब इतनी अमानवीय तरीके से क्रूरता के साथ वो लोग मर्डर करते हैं, हिंसा करते हैं, सरकार उनको संरक्षण देती है। मुझे समझ में नहीं आता कि इंसानियत कहाँ चली जाती है उनकी। पर ऐसा बोलते हैं बंगाल में शुरू से ऐसा होता है, CPM के समय में भी ऐसा होता था, अभी भी ऐसा हो रहा है। अब वहाँ CPM की क्या स्थिति, CPM, CPI अब वहाँ किस पोजीशन पे है? 2019 में जब वो चुनाव होंगे तो क्या रहेंगे उनकी? बहुत पीछे चले गए वो, उनके साथ यूथ तो जुड़ नहीं रहा, पहली बात नया वोट उनसे जुड़ नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ नया वोट जुड़ रहा है, नया
नौजवान हमारे साथ आ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रहा है, डेवलपमेंट पे लोगों को विश्वास है, उन लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल जो काफ़ी पिछड़ गया उसको आगे बढ़ाएगी। तो हमारे साथ नए लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं, और लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब प्रदेश में राज करेगी तो यहाँ पर अराजकता समाप्त होगी, हिंसक राजनीति समाप्त होगी, क्योंकि हमने हिंसा का हमेशा विरोध किया। और लगभग आप समझ लीजिए कि मेरे प्रभारी बनने के बाद 80 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है, और 2500 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के हाथ कटवाए भाजपा के 3.5 वर्षों में लगभग 2500 से ज़्यादा ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपाहिज हो गए, किसी की आंख चली गई, किसी का हाथ काट। तो आप क्या करते हैं, इन लोगों की केयर कैसे करते हैं, फिर इनकी किस तरह से मदद करते हैं? करते हैं, उनके परिवार की चिंता करते हैं, उनको जितना हो सकता है उनकी चिंता करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं की। कैलाश जी, मेरी बात से आप सहमत ना हो, लेकिन ये बात तो है कि मोदी जी का वो जादू नहीं है, कहीं ना कहीं उतार पर है। हर हर मोदी, घर घर मोदी था, जो मोदी मोदी चलता था, वैसी लहर अब नहीं है। तो क्या स्ट्रेटेजी है 2019 में कि उस जो सीटें अगर कम होंगी, 272 से 282 से अगर जब कम होंगी, तो किस तरह से आप उसको मैनेज करेंगे? पहली बात तो ये प्रश्न जो आप कह रहे हैं ना कि मोदी जी की लोकप्रियता कम है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मोदी जी उतने ही लोकप्रिय हैं। हम मोदी जी के कार्यक्रम के लिए व्यवस्था करते हैं, जैसे मोदी जी की सभा है तो कार्यकर्ता को लाओ, तो हम कहते हैं चलो भाई 10-12 हज़ार 15 हज़ार कार्यकर्ताओं के लिए लाने की हम व्यवस्था करते हैं। कार्यकर्ता आते हैं 80 हज़ार 90 हज़ार, बिना बुलाए उनकी सभा में आते हैं। इंदौर में भी सभा हुई, हम सोच रहे थे कि जो व्यवस्था करी बस, क्योंकि आचार संहिता के कारण गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी, तो बड़ी मुश्किल से 10-12-15 हज़ार लोग आए, इतनी गाड़ियाँ मिली हमको, पूरा 1 लाख लोग, आपने पंडाल देखा पूरा खचाखच भरा हुआ था। तो मोदी जी के नाम से लोग आते हैं, पता नहीं आप कौन सा आकलन कर रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता कम हुई है। आज भी उनकी लोकप्रियता वैसी की वैसी है, और अभी एक वीडियो देख रहा था, एक महिला कह रही थी कि हाँ हम मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं, तो फिर तो आप मोदी से नाराज नहीं? मोदी से नाराज नहीं हो, मोदी जी को अपनी बात पहुँचाएंगे। हाँ तो बोलो मोदी तो देश के लिए तो मोदी जी चाहिए, तो आदमी के अंदर एक भावना है कि देश के लिए कर रहा है काम आदमी। मध्यम वर्ग क्या भावना को आपके जो आर्थिक सलाहकार रहे लंबे समय तक मोदी जी के कार्यकाल में, जिन्होंने बाद में छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि नोटबंदी एक बड़ा क्रूर फैसला था, बड़ा अन्याय गलत फैसला था, जो आर्थिक सलाहकार रहे? कोई कुछ भी टिप्पणी कर सकता है, पर इसका जो फ़ायदा हुआ वो साफ दिखाई दे रहा है, और इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। देखिए पॉलिटिक्स के अंदर 3 प्रकार के निर्णय लेना पड़ते हैं, एक तो तत्काल शॉर्ट, एक थोड़ा सा मध्यकालीन होता है, और एक दीर्घकालीन होता है। दीर्घकालीन निर्णय के अंदर आज हमेशा आपको वो अच्छा पसंद नहीं आएगा, पर 15 साल 20 साल बाद फिर समझ में आते हैं। जैसे मैं आप तो मेरे को यहाँ पर इंदौर में राजनीति करते हुए देखा आपने, आप कल्पना करिए 20 साल पहले का, 15 साल पहले के इंदौर की, ए बी रोड की आप कल्पना करिए, ए बी रोड के साथ जब मैंने अतिक्रमण हटाया, सड़क बनाई, पाटनीपुरा, यदि मैं आज नहीं हटाता तो आज क्या होती, मेरे को बताइए हालत क्या होती, इंदौर चलने लायक रहता क्या? पर आपको दूर के निर्णय लेना पड़ता है, 25 साल बाद का इंदौर क्या होगा, 25 साल बाद का मध्य प्रदेश क्या होगा, 25 साल बाद का देश क्या होगा, ये निर्णय अगर आप नहीं करते हैं तो दुर्भाग्य से मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय ये नहीं हुआ, और इसलिए सेना अपने आप को कमज़ोर समझती थी, सेना का जो हमने में बहुत उस दौरान देरी होती थी, निर्णय नहीं हो पाते, देश हित के निर्णय नहीं होते थे। आपने सेना का मजबूतीकरण 10 साल तक नहीं किया, 10 साल तक किसी देश की सेना एक सरी की रहे आप कल्पना कर सकते हैं? ये तो मतलब बहुत बड़ा पाप किया था यूपीए सरकार ने, कि आप सेना को मजबूत करने के लिए जो हथियार चाहिए उनको, जो आधुनिक कपड़े चाहिए, जो आधुनिक संयंत्र चाहिए, वो आप खरीद नहीं पा रहे। किसी भी देश की सेना की मजबूती बहुत आवश्यक है, और दुर्भाग्य था कि उस समय सेना का आत्मविश्वास कमज़ोर हो गया था। मोदी जी के आने के बाद जिस तरीके से सेना को ताकत प्रदान की गई, भारतीय सैनिक अभी बहुत मर रहे हैं सीमा पर, मोदी जी ने कहा था 1 के बदले 10 सिर लाएंगे, कब लाएंगे 10 सिर? मैं समझता हूँ कि आपको एक घटना को लेकर सिर्फ विचार नहीं करना चाहिए, पूरी विदेश नीति, पूरे देश आज कहाँ खड़ा है इसके ऊपर आपको चर्चा करना चाहिए। अभी 3 दिन पहले ही G20 चल रहा था अर्जेंटीना, वहाँ आपने देखा
हमारे देश के प्रधानमंत्री का कद देखा होगा आपने, कितना ऊपर हुआ है। पहले भी G20 होता था, कभी आपने देखा कि इस प्रकार का हमारे देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता था? आज अमेरिका का चीफ, जापान का चीफ, हमारा चीफ, तीनों साथ में खड़े हुए, आज दुनिया उनके फ़ोटो छाप रही है। पहले इतना सम्मान कहीं भारत को मिला क्या? उसके बाद की बात करता हूँ, जो आपने सिपाही वाला उत्तर में, उसको लास्ट में दूंगा। पाकिस्तान सिर्फ इस देश के अंदर इस्लामिक राष्ट्रों के भरोसे विश्व की राजनीति करता था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 90% इस्लामिक देश पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। आप अफगानिस्तान देखिए, आप दुबई देखिए, आप सऊदी बहुत पाकिस्तान में मिलती थी, तो पाकिस्तान को आज अकेला खड़ा कर दिया। आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सिद्धू से अपेक्षा कर रहा है, सिद्धू से। आप सोचिए तो सही जरा कि पाकिस्तान को कहाँ ले जाके खड़ा किया कि सिद्धू देश का प्रधानमंत्री होगा तब हमारे और आपके संबंध अच्छे हो गए। मतलब वहाँ का प्रधानमंत्री, मतलब आप हास्यास्पद बयान उनका, आज उनके साथ अमेरिका नहीं, आज उनके पास रशिया नहीं, आज उनके साथ जापान नहीं, आज उनके साथ इस्लामिक राष्ट्र नहीं। आप मोदी जी की जो विदेश नीति है उसको तो देखिए आप। अब जहाँ तक आपने सिपाहियों की मरने की बात कही, मैं फिर कह रहा हूँ कि देश की राजनीति अगर आपको करना हो तो दीर्घकालीन निर्णय क्या हो, दीर्घकालीन निर्णय अब आएंगे। अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान को भी अकेला खड़ा कर दिया, और कभी ऐसी परिस्थितियाँ आएगी तो देश कहाँ, पाकिस्तान को कहाँ ले जाके मारेगा भारत, ये देखना आप। क्योंकि आपको अगर चुनाव के पहले एक बहुत सख्त सर्जिकल स्ट्राइक की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी। मोदी जी ने अपने आप को और अपने देश को इस प्रकार ले जाकर खड़ा कर दिया। क्या फाइनल ध्रुव का पत्ता, राम मंदिर का निर्माण, अध्यादेश की घोषणा 2019 फतेह करने के लिए? देखिए, हमने कभी भी इस प्रकार के हथकंडों का उपयोग करने के बारे में सोचा नहीं। हमारा सीधा कहना है कि हमने देश के लिए काम किया, सबका साथ सबका विकास की बात की, हमने सबका साथ और सबका विकास हो इस प्रकार की योजनाएं बनाई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो। हमने कभी जाति, धर्म, गरीब वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो आगे बढ़ना चाहिए। तो गरीबों के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार राज्य सरकार की है, पहले गरीबी हटाओ का नारा देते थे कांग्रेस के लोग, गरीबी को गरीबी हटे उसके लिए कुछ काम नहीं करते थे। हमने गरीब की गरीबी हटे इसके लिए योजनाएं बनाई हैं, और मैं समझता हूँ गरीबों में इसीलिए मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है। दिल्ली में प्रभात पीरियड निकालने शुरू कर दी संघ ने मंदिर में दबाव बनाने के लिए। एस्ट्रो एट्रिसिटी एक्ट के बारे में बात आती है, आप तत्काल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को परे करके, दरकिनार करके अध्यादेश ला देते हैं। राम मंदिर के लिए अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे? 4.5-5 साल होने को आ रहे हैं। आप कहते थे कि मंदिर वहीं बनेगा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनेगा। आपने 3 सरकारें कुर्बान करी उस इशू पर। आज भी हम कह रहे हैं कि मंदिर बनेगा, हमारी आइडियोलॉजी के लिए मंदिर निश्चित रूप से बनेगा, हमारी आइडियोलॉजी वही कहती है। पर हम एक जवाबदार राजनीतिक दल हैं, हम संविधान, न्यायपालिका, इसका सम्मान करते हुए मंदिर बनाना चाहते हैं। चूँकि हम सरकार में हैं, इसलिए हमारी जवाबदारी है कि सामाजिक समरसता का ताना बाना भी टूटे नहीं, इन सब बातों की चिंता करेंगे। मंदिर बनेगा, 100% बनेगा, और हमारे अलावा कोई बना भी नहीं सकता। कब बनेगा आप इंतज़ार कीजिए, मैं कहता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो तत्कालिक निर्णय लिए जाते हैं। भाई मैंने बोला ना कि आपको 3 प्रकार की योजनाएं होती है, एक शॉर्ट होती है, एक मध्यकालीन होती है, एक दीर्घकालीन। ये दीर्घकालीन योजना का परिणाम है। यदि आपको देश को मजबूत करना है तो मंदिर भी बने और देश भी मजबूत हो। मंदिर बन जाए और देश कमज़ोर हो जाए, सामाजिक समरसता का ताना बाना टूट जाए, तो मंदिर से ज़्यादा देश हमारे लिए ज़रूरी है। जितना देश ज़रूरी है उतना ही मंदिर ज़रूरी है, जितना मंदिर ज़रूरी है उतना ही देश ज़रूरी है। हम दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि मंदिर भी बने और देश भी कमज़ोर नहीं हो, इस दोनों की जवाबदारी, चूँकि जनता ने हम पे विश्वास, हमें मत दिया है देश को चलाने का, तो हम इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। कैलाश जी, एक बड़ा मुद्दा आज आरक्षण भी हो गया है देश में। ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया एट्रोसिटी एक्ट के बारे में, फिर दलितों के, हरिजन समाज के एक आंदोलन हुआ, रामविलास पासवान की बयानबाजी हुई, मायावती जी की हुई, उसके बाद फिर अध्यादेश लाना, फिर सवर्णों का एक आंदोलन होना, क्या वक्त नहीं आ गया है कि आरक्षण की पुनर्समीक्षा हो
और जो सवर्ण समाज का जो गरीब आदमी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, गरीब व्यक्ति का, उसके लिए भी आर्थिक आधार पर कुछ आरक्षण की कल्पना की जाए, कुछ व्यवस्था की जाए? प्रतीक जी, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इस पर एकदम कोई बयान दे दूं मैं तो ये भी मेरी समझदारी नहीं होगी। देखिए, देश आज बहुत सारे चुनौतियों के से चल रहा है। एक आंतरिक चुनौती है, एक बाहर की चुनौती है। बाहर की चुनौतियाँ दिखाई देती हमको, पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, चाइना दिखाई दे रहा है, आंतरिक चुनौतियाँ हमें दिखाई नहीं देती। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग देख लेते हैं, आम जनता को दिखाई नहीं देती। जैसे एक नारा लगना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, नारा लगा, JNU में नारा लगा, ये नारा लगा, नारा लगने के बाद एक बहुत बड़े वर्ग ने उनके साथ खड़े होकर उनका अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी थी। राहुल जी गए वहाँ, CPM गई वहाँ, आप पार्टी गई वहाँ, तथाकथित बुद्धिजीवी गए वहाँ, वो लोग जिन्होंने पुरस्कार लौटाए थे वो लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए। तो देश में एक बहुत बड़ी ऐसी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग लेकर देश को आंतरिक रूप से कमज़ोर करने के लिए लगी हुई है। ये सिर्फ नारा नहीं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये कार्यक्रम है कुछ लोगों का। जो इस प्रकार का इशू देश में उठता है तो खट से उन्होंने बांटना चालू कर दिया सवर्ण और दलित के बीच में, उन्होंने सोशल मीडिया चालू कर दिया। आप क्या समझते हैं ये अर्बन नक्सल जो पकड़ा है ये क्या कर रहे थे? इनके आप जरा सोशल मीडिया आप देखिए कितना खतरनाक है। वो दुर्गा माता के बारे में कितना गलत अपने सोशल मीडिया में बोलते हैं। मतलब आप और हम दुर्गा माता को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से, बहुत शक्ति के रूप में, यदि कोई व्यक्ति उनके चरित्र के ऊपर उंगली उठाएगा तो आपको कैसा लगेगा? वहाँ महिषासुर जयंती मनाते हैं, ये महिषासुर जयंती मनाते हैं, वो कहते हैं कि ये तो दुर्गा माता नहीं, ये तो चरित्र के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसे वर्कफोर्स को खड़ा कर रहे हैं जो देश के संस्कार संस्कृति के खिलाफ कुछ न कुछ करते रहे, और ऐसे लोगों को वो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। तो देश से सिर्फ हम बाहरी खतरों से नहीं निपटना, हमें अंदर के खतरों से भी निपटना है। इसलिए ये जो आपने प्रश्न पूछा ना, ये प्रश्न की उपज और इसका समाधान दोनों अभी नहीं है, समय के साथ साथ है। हमें देश को मजबूत करना पड़ेगा, देश को मजबूत करने के लिए समाज को मजबूत करना पड़ेगा, समाज को मजबूत करने के लिए इस प्रकाश के उत्तर अभी नहीं खोजना होंगे। हमें सवर्ण समाज को भी कहना पड़ेगा, हमें दलित समाज को भी कहना पड़ेगा कि यदि हम बटे, हम कमज़ोर हुए तो देश कमज़ोर होगा। हिंदुत्व की एकता, समाज की एकता, हम ये भी नहीं चाहते कि हिंदू और मुसलमान लड़े, क्योंकि हिंदुत्व की एकता में आपको अपना राजनीतिक फायदा दिखता है ना। वो ध्रुवीकरण अगर हो जाता है तो आप जीत जाते हो। 2019 में ध्रुवीकरण हुआ, आप जीत गए। राजनीतिक फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, देश के फायदे की बात कर रहा हूँ। देश का फायदा जब भी होगा कि हिंदू मुसलमान भी मिलकर काम करें। आपको देश को मजबूत करना, हम जो राजनीति कर रहे हैं हम देश के लिए कर रहे हैं, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। तो हमारा हमेशा फोकस होता है देश कैसे मजबूत हो, देश को जो कमज़ोर करने वाली ताकतें हैं उनके खिलाफ हम खड़े होते हैं। केला जी, अक्सर कांग्रेस में जाने अनजाने में आपकी बहुत मदद हो जाती है। जब गुजरात में आप बहुत संकट में, आपकी पारी लग रही थी तो मणिशंकर अय्यर ने नीच शब्द बोल दिया। पहले उसके पहले चुनाव में जब बहुत संकट में गुजरात में थे तो सोनिया गांधी ने कह दिया कि सोहराबुद्दीन को फांसी क्यों दी। कभी शशि थरूर का बयान आपको मदद कर देता है। इस बार राज बब्बर थे और वो एक विलास राव थे जिन्होंने पिता और माता के ऊपर सवाल कर दिए। अब जब राजस्थान में चुनाव शबाब पर है तो सिद्धू का फोटो आ गया आतंकवादी के साथ। तो ये इन लोगों ने वास्तव में कांग्रेस की सुपारी ले रखी है या आपका भाग्य प्रबल है? देखिए, कांग्रेस का जो चरित्र है वो ऐसे समय पर उजागर हो जाता है। कांग्रेस को देश की चिंता नहीं, कांग्रेसियों को भी देश की चिंता नहीं, उनको अपने नेता की चिंता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देश की चिंता है और हम लोग राजनीति करते हैं देश के लिए करते हैं। कांग्रेस के लोग राजनीति करते हैं अपने नेता के लिए करते हैं, अपनी पार्टी के लिए। हम पार्टी के लिए नहीं काम करते। हमें, मुझे कैलाश विजय को जिस दिन लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम किया जिससे देश को नुकसान हो रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे लिए देश प्रमुख है।
और मुझे भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी सिर्फ देश के बारे में सोचती है, देश को मजबूत करने के बारे में सोचती है। तो हमारे जो खून के अंदर जो आरएसएस ने जो भरा है वो देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति भरी, तो हम उससे कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करेंगे। और इसीलिए लोग हवा में बात करते हैं कि हम संघ को ख़त्म कर देंगे, हम संघ को प्रतिबंध लगा देंगे। इस लाइन ने भी मध्य प्रदेश में जान फूंक दी आपकी पार्टी, जब जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और उसमें संघ के बारे में उन्होंने कहा कि, उन्होंने तो कहा था कि सरकारी दफ्तरों में, परिसरों में संघ की शाखा नहीं लगनी चाहिए। आप लोगों ने बड़ा राजनीतिक खूबसूरती से उसको ट्विस्ट किया कि संघ पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, और जो संघ सोया हुआ था कहीं ना कहीं आप लोगों से थोड़ा सा सरकार से दुखी था, नाराज़ था, वो एकदम जाग गया और सड़क पर आ गया। तो ये भी मैं वही कह रहा था कि ये सुपारी इन लोग क्यों ले लेते हैं, ये लोग खुद की पार्टी। नहीं नहीं, सुपारी नहीं, ये क्या होता है कि आप कितनी भी चीज़ छुपा के रखो और बाहर कितना ही बड़ा आवरण, जैसे एक ब्यूटी पार्लर में आप किसी भी सांवली महिला को ले जाओ और खूब लगा के लिप पोत के बाहर ले आओ, सुंदर लगेगी, गोरी लगेगी, पर पसीना आया, छूटा, तो उसका असली रूप सामने आ जाएगा। कांग्रेस कितनी भी नौटंकी करे, कितना भी अच्छा घोषणा पत्र दे, पर उनकी आइडियोलॉजी देश के लिए नहीं है, सबसे बड़ी बात है। इसलिए मणिशंकर अय्यर अगर कुछ बोलता है तो उनकी आइडियोलॉजी वैसी है, राज बब्बर अगर बोलता है तो कांग्रेस के संस्कार ही ऐसे हैं। इनके संस्कार ही ऐसे हैं ना भाई, आदमी के आदमी के संस्कार तो ऐसे ही होते हैं कि ब्यूटी पार्लर से बाहर निकले और जहाँ पसीना आया तो आपका असली चेहरा सामने आया। तो कांग्रेस का मैं कमलनाथ जी ने जो कहा वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने तो उदाहरण दिया, आप उसको महिलाओं से मत जोड़ देना कि मैंने महिला का उदाहरण दे दिया तो कल से महिलाएं मेरा घेराव करने लगेगी। मैंने उदाहरण ये दिया कि आप कितना भी छुपा कर, असली चेहरा सामने आ जाता है आदमी का। तो कांग्रेस का असली चेहरा यही है, सिद्धू का, सिद्धू के लिए इमरान ने ये कहना। अच्छे दोस्त थे आप, उनकी पत्नी को जिताने के लिए अमृतसर भी गए थे, मुझे याद है। अभी अभी भी बातचीत होती कि नहीं? हाँ हाँ, अभी हम एयरपोर्ट पर साथ में मिले तो उन्होंने कहा कि आकाश चुनाव लड़ रहा है ना, बोला हाँ, मेरा आशीर्वाद बोलना उसको। तो अभी पारिवारिक संबंध थोड़ी ख़त्म होते, मतलब मेरे उनके बड़े पारिवारिक संबंध हैं आज भी। मैं उनके प्रचार में गए थे, हाँ कैंप किया था। हाँ, मैं 8 दिन वहाँ रुका था और अभी भी, मतलब कांग्रेस में जाने के पहले, जस्ट 1 महीने पहले हम लोग घर पर बैठ के हमने उनके यहाँ भोजन किया, काफ़ी लंबे। वो बहुत परम शिव भक्त है, पर कभी कभी मति खराब हो जाती। बहुत धन्यवाद कैलाश जी हमसे तमाम चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे कैलाश विजयवर्गीय को, जिनके साफ तौर पर ये कहना है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है, और ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब मध्य प्रदेश में वापसी का उनका कोई इरादा नहीं है, उनका रास्ता बहुत अलग गया है, 2019 उनका लक्ष्य है और बंगाल फतेह करना उनका एकमात्र उद्देश्य है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, देखते रहिएगा डीजेएनए न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।